नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस सस्सी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के कहने पर जो आरआरबी एनटीपीसी का जिस लेवल का जो मैथ का प्रश्न पूछा जा रहा है, जो लेवल है आप लोगों के लिए मॉडरेट लेवल, उसी अनुसार प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और हमने टॉप 5 प्रश्नों को लाया है, आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। जिन लोगों का भी एग्जाम है वो एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो लेवल है आपका मैथ का जो पूछ रहा है आपके एनटीपीसी में, उस लेवल के मैं प्रश्नों को लाया हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग देख के जाते हैं तो इस टाइप टॉप 5 जो प्रश्नों को लेके आए हूँ, आपको यहाँ से प्रश्नों को देखने को मिलेगा। आपका ये प्रश्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें ना तो ज़्यादा हाई पूछ रहा है, ना ज़्यादा आपका लो वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके जो मॉडरेट लेवल वाले प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्न पूछ रहे हैं, और आपके ज़्यादा हाई प्रश्न नहीं है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, आप अगर इस टाइप के प्रश्नों को बना ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग भी अच्छे नंबर करके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विक्रम और विवेक एक कार को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया और फिर चले गए, उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है। देखिए आप जब भी मैथ के प्रश्नों को हल करिएगा, आप कोशिश करिएगा एक ही बार में समझने की, मतलब एक बार में चाहे स्लो ही पढ़ें, धीरे धीरे ही पढ़ें, लेकिन समझ जाएं प्रश्नों को, ताकि आपका आधा प्रश्न वहीं हल हो जाता है जब तक आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे बोला क्या गया प्रश्न में, अगर ये चीज़ समझ लेते हैं, उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है, मतलब जो विवेक और विक्रम है उन्होंने कितना काम किया है। देखिए कितने दिनों तक काम किया, 20 दिनों तक काम किया है, ठीक है 20 दिनों तक, और टोटल था कितना, 50 ही तो था, तो कितना काम किया, 2/5 ही काम किया। आपको इसमें कौन सा एक्स वाई मानना है, आप लोग बताइए। आपका प्रश्न आ गया। अब इसी प्रश्न में आप चाहे विवेक और आप विक्रम लिखते, आप चाहे विवेक और फिर विक्रम लिखते, एक्स वाई मानते, लगाते, कितना टाइम जाता है, लेकिन हमें प्रश्न को समझना है बस। देखिए प्रश्न बोला उनके द्वारा कितना काम किया गया, और उन्होंने देखिए 20 दिनों तक काम किया था, और टोटल कितने थे, 50 काम करना था, तो 20 में से 50 आप काम कर लिए, 2/5 काम करके गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। आपका बताने में टाइम लग सकता है मुझे, लेकिन आप लोग अगर समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से आपके 2-3 नंबर कन्फर्म है। चाहे आपका प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, या आपका परसेंटेज से पूछ ले रहा है, कहीं से पूछेगा, टाइम एंड वर्क से, तो आप इस प्रश्नों को करके आएंगे। बस आप लोग एक बार अच्छे से समझिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, यक्स एक काम का 25% हिस्सा 20 दिनों में पूरा करता है। वाई एक्स के साथ शामिल होता है और दोनों एक साथ शेष काम को 15 दिनों में करते हैं। वाई अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं एक्स वाई का, आप लोग समझिएगा। जब हमें एक्स का काम पता हो जाए और एक्स प्लस वाई का काम पता हो जाए, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, जो 25% है इसको हम लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है 1/4 लिख सकते हैं। आप लोग समझिएगा अब कैसे लिखना है। देखिए 25% को हम हटाएंगे तो बेटे में 100 लिखेंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो मतलब 1/4 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करना, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए जो प्रश्न कह रहा हमारा, क्या कह रहा है, 25% हिस्सा 20 दिनों में, मतलब हमारा 1/4, ठीक है 1/4 हिस्सा 20 दिनों में, मतलब हमारा ये एक्स करता है, तो एक्स का जब 1/4 करेंगे हमारा कितना दिया है 20, तो देखिए आप जानते हैं ये नीचे वाला गुणा हो जाता है, ऊपर वाला भाग में चला जाता है, तो हमारा एक्स का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 आ गया। अब वाई प्लस एक्स, ठीक है मतलब दोनों साथ शामिल होते हैं और दोनों एक साथ शेष काम को 15 दिन में, शेष काम, अब शेष काम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1/4 किए हैं अकेला, तो शेष काम कैसे निकालेंगे, 1 - 1/4 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 3/4 आ जाता है। तो देखिए आपका जो एक्स प्लस वाई है ये हमारा कितना, 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो देखिए 15 जो होता है ये हम भी बताया ये भाग में हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका गुणे में, तो इसको काट देंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। देखिए हमारा एक्स का जो काम आ गया कितना आ गया, 80 आ गया, और एक्स प्लस वाई जो मिल के काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे 80 हो जाएगा, इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है,
वाई अकेले, तो देखिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा आपका 3 आ गया वाई का, तो हमारा वाई का पूछा गया तो 80 और बेटे में कितना आ जाएगा आपका 3, तो इसको भाग करेंगे आपका कितना आ जाएगा 26। सही दो बेटा 3 दिन, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं था, बस आप लोग एक्स का मान निकालते, अभी जो मैंने बताया था 1/4 से, तो एक्स का हम जब निकालेंगे 1/4 से तो हमारा आइए आ जाएगा 1/4 से निकालेंगे तो एक्स का आ जाएगा 80, और हमारा एक्स प्लस जब वाई का निकालेंगे एक्स प्लस वाई का 3/4 से शेष काम से, तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए एक्स का हमारा आ गया 80 और एक्स प्लस वाई का जो है आ गया हमारा कितना आ गया आपका 20 आ गया। अब इन दोनों ने मिलकर 80 हो गया इसका एलसीएम, एक दिन का काम एक्स का हो गया 1 और आपका एक्स प्लस वाई का हो गया 4। तो हमें देखिए इसमें 2 हैं एक्स प्लस वाई है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 दिन हो जाएगा, तो 3 दिन आ गया, तो 80 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26। सही आपका आ जाएगा 26 सही 2/3 दिन, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये प्रश्न होता है बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों को करके आ सकते हैं। बस आप ये समझिएगा जो 25% होता है एक्स का 1/4 होता है, अगर इसका शेष निकालने के लिए बोला जाए तो 1 - 1/4 करेंगे तो 4 * 4 = 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बेटे में 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये हम शेष काम ऐसे निकालते हैं, आप लोग यहाँ निकालने का बता दे रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में आप शेष काम निकाल लीजिएगा, अपने आप से बिना पेन उठाए भी निकाल लीजिएगा, आप लोगों को टाइम की बचत होगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर दोस्तों प्रश्नों को नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं दोबारा दूसरे वीडियो में उन प्रश्नों को जो समझ में नहीं आया उनको मैं और ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों का अच्छे से पूरा तैयार जरूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा, ये भी सेकेंडो वाला प्रश्न है, आप लोग इसमें कोई भी एक सवाई मत मानिएगा। देखिए कहीं भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोगों को करना क्या है, आप पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए 3 दोस्त ए बी और सी ने एक व्यवसाय में कुछ रात 6 महीने 8 महीने और 12 महीने के लिए निवेश की, 2 वर्ष बाद उन सभी को समान लाभांश प्राप्त हुआ, उनके बीच निवेश की राशि का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया उनके, ठीक है आप समझिएगा, हमें यहाँ क्या बोला समान लाभांश प्राप्त होता है, मतलब समान लाभांश प्राप्त हुआ, तो देखिए कैसे करना है, जो हमारा ये दिया गया है ठीक है, क्या हमारा ये ए है ठीक है, ये बी है, ये हमारा क्या है सी है, इसका 6 दिया गया है, इसका 8 दिया गया है और इसका 12 दिया गया है, और देखिए क्या बोला गया 2 वर्ष बाद सभी को समान, अगर ये कहीं भी दिखे समान लाभांश प्राप्त हुआ, तो आप लोग निकालने के लिए बस एक ही तरीका है, आप देखिए इनको क्या कर दिएगा 1/6 / 1/8 / 1/12, बस इनको बेटे में कर दीजिएगा, इनका मान निकाल लीजिएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हमारा बेटे में एलसीएम आता है, जब भी हमारा बेटे में आता है अनुपात कहीं भी दिखे, अगर आपका इस तरह से दिखता है आपका अंश और हर में, तो वहाँ हम एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेके उनको सरल बनाते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो देखिए क्या करेंगे आपका 1/6 × 24, आप एलसीएम से गुणा करिए सब में, 1/8 × 24 ठीक है, आप इसमें क्या करिए 1/12 × 24 एलसीएम से गुणा कर दीजिए। अब इसको काटिए, देखिए 6 * 4 = 24 आपका, देखिए 12 * 2 = 24 यहाँ 6 से जाएगा, यहाँ 12 से जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12 * 2 = 24 हमारा आ गया कितना 4 / 3 / 2, आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, कुछ नहीं करना था, हमारा जो दिया गया 6 / 8 कितना दिया गया 12, ये कितना दिया गया ए और बी और सी का, जहाँ भी समान लाभांश दिखे चाहे जितने वर्षों बाद हो, तो आप इनका 1/6 करके क्या करिएगा 1/6 कर दीजिएगा, 1/8 कर दीजिएगा, 1/12 कर दीजिएगा। अब इनका करने के बाद इनका हम जो इनको सरल अनुपात में बनाने के लिए एलसीएम से गुणा करते हैं, तो इनका एलसीएम 24 होगा, तो यहाँ जब 24 से हम गुणा करेंगे तो 6, यहाँ हम 24 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा 4 बार, 6 * 4 = 24 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे हम कितने आपका 24 बार, तो 8 * 3 = 24 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 24 तो कितना आ जाएगा 2 बार, 4 / 3 / 2। बस आप ये चीज़ को समझिएगा, इनको बेटे में कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, कहीं भी ये चीज़ दिखेगा तो आप इनको तुरंत बेटे में कर दीजिएगा, और इनका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए
एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि इनको सरल भिन्न में बदलने के लिए, देखिए ये आपका जो भिन्न लिखा गया है इसमें हम सरल अनुपात में बदलते हैं, ए बी सी ए बी और सी टाइप के रूप में बदलते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सरल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर आपके पूछा जाता है कहीं भी, अगर आपका इस तरह दिखे रेशियो में 1/20 दिखे या 1/4 दिखे, ठीक है 1/ आपका दिखे 10 दिखे और 1/ आपका क्या दिखे 12 दिखे, कहीं भी दिखे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर बटे में दिखता है, तो आप इनको सरल करने के लिए सीधी सी बात है आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम जो आएगा उनको गुणा कर दीजिएगा, आपका सरल में बदल जाएगा, आप सेकेंडों में प्रश्नों को हल करके आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर प्रश्नों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, तो आप लोगों का पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे प्रश्नों में एग्जाम में, कहीं भी अगर वन लाइनर प्रश्न आता है एज का तो आप देखिए कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राम और सीता की शादी 10 साल पहले हुई थी, आज राम की उम्र उसके शादी के समय की उम्र की 7/5 है, शादी के समय उसकी उम्र क्या होगी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक चीज़ आप समझिएगा, हम एक चीज़ आप लोग बता रहे हैं आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के एज के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ये लिखा गया पहले और एक बाद की बात होती है, ये चीज़ आपके एज में बहुत देखने को मिलती है, ठीक है, पहले और बाद की। तो देखिए जहाँ पहले की बात होती है वहाँ क्या होता है हमारा माइनस किया जाता है, और जहाँ बाद की बात होती है वहाँ प्लस किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूरे एज में आप लोगों को यहाँ से प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। जब हमको पहले में जाना रहेगा तो माइनस करेंगे और बाद में आना रहेगा तो प्लस करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे है। देखिए हमसे क्या पूछा गया, शादी के समय उसकी उम्र क्या थी, मतलब शादी के समय उसकी उम्र क्या थी, हम मान लेते हैं शादी के समय उसकी उम्र क्या है 25 है, ये क्या है शादी के समय उम्र क्या है 25 है, लेकिन अब देखें इसकी उम्र क्या है, अब अगर इसकी उम्र देखें, ये शादी से पहले की बात है 10 साल पहले की, लेकिन अगर अब में लाना है तो इसमें 10 जोड़ेंगे, अभी क्या पता अब मतलब बाद में, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो गया, ठीक है 10 जोड़े 35 हो गया, लेकिन हमसे बोला क्या गया है आज, मतलब आज की बात जो हम आए यहाँ 35 में, आज राम की उम्र उसके शादी के समय की उम्र, शादी के समय कितना माना 25, शादी के समय की उम्र की 7/5 है, तो क्या इसका सही है जो बता रहा है, तो देखिए पचहम 25 करेंगे 5 × 7 = 35 करेंगे, 35 = 35 आ रहा है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ आप लोग ध्यान समझिएगा, शादी के समय उम्र क्या है क्या होगी, तो मैंने माना 25 थी ये शादी के समय की उम्र है, लेकिन आज उम्र क्या है, आज मतलब ये पहले की बात है, तो हम आज में आएंगे तो इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, लेकिन हमें सही कैसे पता चलेगा, आज जो राम की उम्र है मतलब 35 जो है वो शादी के उम्र की, मतलब शादी की उम्र कितनी माने 25, शादी के उम्र की 7/5 है, तो इसको देखेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, मतलब 35 = 35, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बता रहा हूँ समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है दोस्तों, नहीं तो आप लोग एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं सही होता, आप तुरंत जो है ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते, इसमें आप 10 जोड़ते, ठीक है ये कितना हो जाता 45 हो जाता, इसमें 10 जोड़ते, अभी हम क्या करते 35 × 7/5 करते, क्योंकि हमें शादी की साल की उम्र का करना है, तो देखिए 5 × 7 = 35, 7 × 7 = 49, जो कि 45 = 49 आ रहा है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन जब आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया तो हम बी सी डी को क्यों चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ आप लोग समझिएगा, ये मॉडल लेवल के पेपर होते हैं, ना ज़्यादा हाई होते हैं ना ज़्यादा आपके टफ होते हैं, लेकिन जो इस टाइप के प्रश्नों को पकड़ लेता है अच्छे से कर लेता है उनको बहुत अच्छा नंबर मिलता है और मैथ उनका अच्छे से कवर भी हो जाती है। दोस्तों आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए अभी मैंने बताया एज के प्रश्नों में क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेकंडों में हल करना है जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिले। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रूस की आयु 32 वर्ष है और बेन की आयु 42 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा। अब देखिए इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, जब उनका ब्रूस की आयु कितना बोल दिया गया है 32 है और बेन की आयु कितना बोल दिया गया आपका 42 है, कितने वर्षों बाद 11:13 हो जाएगा, तो हम इसमें करेंगे क्या, हम मान लेते हैं 23 वर्षों बाद, तो इसमें 23 जोड़ेंगे, सब में इसमें 23 जोड़ दीजिए, ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 55 हो गया, ठीक है
ये 55 हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, 23 जोड़ देंगे, क्योंकि 23 कितने वर्षों बाद, हम मान लेते हैं 23 वर्षों बाद, इसमें 23 जोड़े कितना हो गया आपका, ये देखिए 23 जोड़िए, 3 2 5 हो गया, 4 2 6 65 हो गया। अब देखिए क्या 11 11 रेशियो 13 आ रहा है, इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आप देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, 11 रेशियो 13 आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगर देखिए बी को चेक करते हैं हम, अगर मान लेते हैं इनका कितना है 42 और कितना दिया गया है आपका 32, ठीक है। अगर इसमें हम क्या जोड़ते हैं, 21 को जोड़ लीजिए आप, 21 को जोड़िए कितना आता है, देखिए 21 को जोड़े 2 1 3, 3 2 5, 53 हो गया रेशियो। अब इसमें भी 21 जोड़िए, अब देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 21 जोड़ने पर, देखिए 2 1 3 और 4 2 6 63। अब इनको काटने पर क्या 11 रेशियो 13 आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी कोई नहीं सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कैसे हल किया आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा मैं क्यों आप लोगों को बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न मॉडर्न लेवल के प्रश्न होते हैं। देखिए एक की 32 दी गई है, एक की 42, आप एग्जाम में बैठे हैं, मान लीजिए 32 42 की, मान लिए 23 है, तो इसमें हमने 23 ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें हमने 23 ऐड कर दिया, क्योंकि 23 साल बोला, इसमें भी 23 ऐड करेंगे और इसमें भी 23 ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड किए 23 कितना हो गया, 55 हो गया पूरा, और इसमें ऐड किया कितना 5 हो गया, 65 हो गया। अब इनको काटिए देखिए कितना आ रहा है, इतना 11 बार जाएगा, इसको कितना बार, 13 बार, 11 रेशियो 13 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए दोस्तों मैंने जितने भी आप लोग टॉप 5 प्रश्नों को कराया है, अगर आप इन प्रश्नों में सभी प्रश्नों को आप कर लिए होंगे अच्छे से, आप लोगों को आ रहा होगा, तो आप समझ जाइए बहुत लेवल तक आप लोग मैथ की तैयार है, आप लोगों का आपका मैथ का डर बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिएगा। मैं रोज़ आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आऊँगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों जो प्रश्न आपको इस सीरीज में नहीं समझ में आएगा, आप हमको नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आप लोग बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और अच्छे क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।